सीडम तालूका रंजोड़ ग्राम इसको अड्डा लगे कमलावती नदी को ब्रिज कम बैरेज 2011-12 में माइनर इरिगेशन वाले अक्वायर कर लिए। ऑलरेडी उसके बारे में 4 एकड़ 2 घंटे ज़मीन गया है, वो जो भी ज़मीन गया है वो टोटल स्मॉल फार्मर्स है, कोई बड़े बड़े फार्मर्स नहीं। उनको ये ज़मीन के साथ दूसरा कोई भी नहीं, उनको ज़मीन भी गया है और पैसा भी आज तक नहीं मिला। ब्रिज कम्प्लीट होकर भी 5-6 साल हो गए, और उल्टा क्या होगा वो तो ब्रिज ही उल्टा वो गिरने की पोजिशन में है, और जमीन पैसा जो जमीन जो जो पानी ठहर के जो नेक्स्ट वो जमीन के जो बाजू रहता वो जमीन भी ख़राब हो रहा है और आज तक परिहार नहीं आया। हम जितने बार भी डीसी को और एसएलओ को कन्वेंस करे तो भी वो खाली प्रपोजल करे। 2017 में क्या है ना, एसएलओ ऑर्डर करा है, अवार्ड करा है, जितने जिसकी ज़मीन गए उतना ऑर्डर करा, लेकिन आज तक 2017 से लेकर आज तक पैसा नहीं भरा है। हमारे पास गवर्नमेंट में पैसा नहीं है बोलते, और रेस्पॉन्स डीसी साहब भी डीसी होना है ना, वो लोग रेस्पॉन्स नहीं दे रहे। आज रैत जो है फार्मर जो भी है वो बहुत परेशान में है, उनको जो ज़मीन गए है उनको परिहार देना और करेक्ट जो भी है इंटरेस्ट के साथ देना, और उनको जो भी है ये माइनर इरीगेशन तरफ से डिपार्टमेंट तरफ से जो भी परिहार देना बोल के हम गवर्नमेंट को और ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर लेते। कितने गाँव गए रंजोल ब्रिज कम बैरेज ये गए, और 2019-20 में कमलावती बसवंडा नदी को और एक ब्रिज गए, वो अभी प्रपोजल भी नहीं करे। ऑलरेडी ब्रिज बना के 1 साल हो गया, ये क्या है बोलते गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को 2-2 करोड़ रुपये देता, लेकिन जो ज़मीन गया है उनको 10 लाख बहुत बहुत 50-60 लाख में हो जाता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट देने के 2-2 करोड़ रुपये आता गवर्नमेंट को। जो ज़मीन गया है, जो ज़मीन पर जो ब्रिज बनता है उनको देने के लिए गवर्नमेंट को ये होता है, यही तो है दुख की बात। गवर्नमेंट क्यों ऐसा करता रहता उनको, पहले जो फार्मर्स रहते बहुत गरीब रहते, कॉन्ट्रैक्ट को देने 2-2 करोड़ रुपये आते तो फार्मर्स को क्यों नहीं देना। हमारा यही रिक्वेस्ट है कि उसका भी प्रपोजल अभी स्टार्ट नहीं होगा, वो क्या बोलते 36 लाख रुपीज़ है ना वो प्रपोजल बंदे ये वो लेटर भेजे बेंगलुरु को, वो लोग क्या बोलते बजट नहीं है, बजट नहीं है, बजट आने के बाद प्रपोजल करते बोल के ये ऐसे लोग बोलते हैं तो बजट पैसा कौन भर रहा है, हम तो भर सकते नहीं ना, हमारी ज़मीन गए हम वो फार्मर्स क्या करेंगे, वो लोग तो बहुत स्मॉल फार्मर्स है, उनके पास भी पैसा नहीं, कितने बार फिर सकते। हम भी एडवोकेट रह के भी जो फिर रहे, लेकिन वो बोलते बजट आए तक वो ऐसे लोग कुछ नहीं करते, जब इसलिए हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट क्या करते बोलते जो इमीडिएट अगर आप नहीं करेंगे तो हम डीसी ऑफिस के समय हम धरना भी बैठेंगे और हमारे उपवास भी करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट को हम कन्विंस क्या करते बोलते जो इमीडिएटली उनको परिहार दे के उनको रहता उनको ये अनुकूल करना बोलते हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कितने एकड़ ज़मीन है अभी वो प्रपोजल हो गया है उनके हिसाब में 6 एकड़ है, अब वो जेम्स होने के बाद 4 एकड़ हो सकता है, 8 एकड़ हो सकता है, वो हम फाइनल ये 6 होने हो तक कुछ भी बोल सकते नहीं। ऑलरेडी एक जने के अभी 2 एकड़ ज़मीन का जितना उसको 3 एकड़ ज़मीन में 2 एकड़ गया तो बचा क्या उसको, वो कैसा हुआ तो सेंटर पे गए, इधर भी ज़मीन नहीं बच गया, इधर भी ज़मीन नहीं बच गया, जो चाहे हो तो प्लाट के जैसा बन गया, प्लाट प्रॉपर्टी प्लाट बन गया, उसको वो जिरात भी कर सकता नहीं और उसको पैसा भी नहीं आया तो क्या करना। पहले कोविड है 2019-21 से लेके कोविड है, उसमें तो कुछ काम ही नहीं, उनके पास पैसा भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो परेशान और इसमें क्या बोलते रहते हैं पैसा नहीं दे रहे, इसलिए हम रिक्वेस्ट क्या बोलते गवर्नमेंट क्या बोलते इमीडिएटली उनका जो भी है परिहार उनकी कोर्ट करिए। अभी प्रपोजल स्टार्ट हो तो कोर्ट जाना है, अवार्ड ही नहीं होता, अवार्ड होने के बाद अब इससे कुछ भी नहीं होगा, इधर ही नहीं होगा, फर्स्ट पेमेंट ही नहीं होगा, अवार्ड भी नहीं होगा, इसलिए गवर्नमेंट का हम रिक्वेस्ट क्या करते बोलते रैतों को जो भी है उनको परिहार देना, अगर नहीं दिया तो हम इसके बारे में स्ट्राइक भी करने के लिए हम आगे पीछे नहीं देखते बोलते हम गवर्नमेंट को ये कर रहे हैं। रघुजी अंकल कर 2011-12 ರಂಜೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಾವತಿ ಮತ್ತು ಬಸನಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 2 ಬ್ರಿಜ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾರೇಜ್ಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ಆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ವರ್ಷಗಳು ಗತಿಸಿದರೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮಾ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಪರಿಹಾರ ಧನ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಿಯಮ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಇದು ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರು ನಿರ್ಗತಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಮೀನೇ 1 ಎಕರೆ 10 ಗುಂಟೆ ಇದೆ। ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ಸಲ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ। ಅವರು ಹೊಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೊಲಗಳು ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, 30-40 ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಲ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಸೇಡಂರವ್ರ ಮುಖಾಂತರನೂ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ। ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೂ ತಂದಿದ್ವಿ, ಮಾನ್ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಗಮನಕ್ಕೂ ತಂದಿದ್ವಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗಲಾರದ ಕಾರಣ ರೈತರು ನಿರ್ಗತಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಆ ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ಈ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ರೈತ ಅಂತ ಕೇವಲ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ತರಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆ ನಮ್ಮದಿದೆ, ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು 8 ದಿವಸದೊಳಗಾಗಿ ಆ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮಾಯಿಸುವ
ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಎದುರುಗಡೆ ರೈತರ ಸಮೇತ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕೂರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇದು ಕೋವಿಡ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇದು ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ನಾವು ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಗ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನಮ್ಮ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮಾಸ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ, ತಾಲೂಕು ಘಟಕ ಸೇಡಂ, ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಣ.